नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट पे दजा सर चैनल में। दोस्तों, आपकी लगातार क्वारी आ रही थी कि आप यूपी टेट के लिए कोई बुक बताइए या गाइड बताइए। तो हम जब मार्केट में गए तो हमें सबसे अच्छी बुक ये चक्षु प्रकाशन की लगी। इसमें पूरी गाइड दी हुई है और दो सॉल्व्ड पेपर भी दिए हुए हैं, 1 से 5 तक का बेहद बेहतरीन तरीके से पूरा कंटेंट तैयार हुआ है। हम आपको दिखाते हैं, 1 से 5 तक की ये बेहतरीन बुक है। इसमें हिंदी भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, जो मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, एक एक तथ्य, एक एक फैक्ट बहुत ही शानदार तरीके से दिया हुआ है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे ऑफलाइन दुकान से भी परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यूपी टेट की ये बेहद ही शानदार बुक हमें बच्चों लगी। आप इसको खरीदिएगा अपने नज़दीकी स्टोर से, ऑनलाइन आप इसको परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन बुक है। अधिगम और अध्यापन जैसे बेहद अच्छे चैप्टर जो हैं थॉर्नडाइक के अधिगम के, जिससे प्रश्न पटप होते हैं, वो प्रश्न इसमें सारे हैं और सॉल्व्ड पेपर भी इसमें 2 दिए हुए हैं। बच्चों, आप इसे खरीद लीजिएगा, बेहद बेहतरीन ये गाइड है पूरी। और इसमें हिंदी भाषा, गणित और भाषा अधिगम, अध्यापन, इंग्लिश, संस्कृत, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये बुक आप परचेज कर लीजिएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद। बच्चों, इनका गाइड के साथ प्रैक्टिस पेपर भी आता है। आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए आप इनका प्रैक्टिस पेपर भी खरीद सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन बेस्ट हो जाएगी। तो स्वागत है आपका टारगेट पे दजा सर चैनल में। दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि यूपी टेट जो है होने जा रहा है 28 नवंबर को। तो आज हम इसके बारे में आए हैं और बात करेंगे आपसे कि आपको एग्ज़ाम किस तरह से देना है और एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे और सुपर टेट जो है 51,000 वैकेंसी आने वाली है, उस विषय में बात करेंगे। तो आपने ये थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि तैयारी जो है शासन ने अंतिम चरण में कर ली है। परीक्षा में लगभग 5,65,067 अभ्यर्थी लगभग शामिल होंगे। विभाग की तरफ से प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेज दिया गया है। 28 नवंबर को ये प्रस्तावित है, तो 28 नवंबर को ये एग्ज़ाम हो भी जाएगा। और आपकी तैयारी कैसी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं मेरी पीछे की वीडियो देख लीजिएगा। आपको कैसे टेट पास करना है, सी टेट पास करना है, उससे संबंधित हमारी सारी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं। देखिए दोस्तों, 28 नवंबर को टेट हो जाएगा तो 1 महीना इसका एग्ज़ाम का रिजल्ट आने में लगता है। 1 मंथ लगता है रिजल्ट आने में, तो 1 महीना मान के चल लीजिए आप, 1 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 28 नवंबर को होगा तो 28 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। कितने तक दोस्तों? 28 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ये सोचा जाएगा कि और 1 महीने से पहले आ जाए, हो सकता है 25 को ही आ जाए, लेकिन 28 मान के चलिए आप। 28 दिसंबर के बाद अब आचार संहिता का रूल्स रेगुलेशंस रहेगा कि आचार संहिता कैसे रहती है, चुनाव कैसे रहता है, क्योंकि 19 मार्च को जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसे शपथ ग्रहण करनी ही है। 19 मार्च तक शपथ ग्रहण समारोह होना ही है, क्योंकि पहले योगी आदित्यनाथ जी ने 19 मार्च 2017 में शपथ ग्रहण की थी, तो उस हिसाब से 5 साल 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप उसके हिसाब से देख लीजिए, दिसंबर में ही शायद आचार संहिता का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर विज्ञापन जारी हो गया तो आपका मतलब परीक्षा भी हो सकती है, रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता है और नए विज्ञापन जारी नहीं किए जा सकते हैं। मेन बात यह है कि विज्ञापन जारी हो जाए लड़के झगड़ के कैसे भी, अगर ये इतनी बड़ी भर्ती आती है तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। 51,000 पदों पर अगर भर्ती आती है तो आप लोगों के लिए इससे बड़ी कोई खुशखबरी हो नहीं सकती। और ये आएगी क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, 1-2 बच्चे को खुश करने से कुछ नहीं होता। अगर फॉर्म पड़ेंगे, 51,000 वैकेंसी आएगी तो लगभग 8 से 10 लाख फॉर्म पड़ेगा, और 8 से 10 लाख अभ्यर्थी वो होता है जो कि वोट बैंक होता है, सरकार का वोटर होता है। उसके घर में कितने लोग होते हैं, कितनी आशाएं, कितनी उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं, तो इस हिसाब से ये खुश करने के लिए निकालेंगे, भले से इसकी प्रक्रिया को ये आगे ना बढ़ाएं। हो सकता है सुनने में बुरा लग रहा हो, लेकिन ये बात भी हो सकती है। लेकिन आप ये मान के चलिए, आप पॉजिटिव सोच के चलिए, हो सकता है बढ़ा भी दें, परीक्षा करा लें तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि 19 मार्च से पहले इतना कोई हो नहीं सकता। ज़्यादा बातें करने में ही क्या रखा है, मेन बात यह है कि 19 मार्च से पहले तो कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है कि अगर जनवरी में फॉर्म भरा लें, 20 दिनों तक ये फॉर्म भराते हैं, तो फरवरी में एग्ज़ाम करा लें, क्योंकि पिछली बार इन्होंने 69,000 भर्ती आई थी दोस्तों, तो दिसंबर तक अप्लाई हुए थे, तो 6 जनवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया था 69,000 का। किसी से पूछ लेना या सरकारी रिजल्ट चेक कर लेना मेरी बात, अगर आपको झूठ लग रही हो तो। बहुत जल्दी इन्होंने प्रक्रिया फास्ट करा ली थी, लेकिन उसमें अभ्यर्थी 4 लाख थे। इस बार जो है टेट की जो आजीवन कर दिया गया है, लाइफ टाइम इसका कर दिया गया है, डेट बढ़ा दी गई है, तो इस हिसाब से लग रहा है कि
जो है 10 लाख फॉर्म आएगा, करीबन 8-9-10 लाख फॉर्म आएगा। तो नोटिफिकेशन इसका प्रबल संभावना है कि दिसंबर में ही जारी कर दिया जाएगा। घोषणाएं तो पहले से हो रही हैं कि कमेटी बन गई, 3 सदस्यीय कमेटी बनी है, लेकिन अभी किसी ने कैसी भी रिपोर्ट जारी नहीं की है। कोई 73,000 की रिपोर्ट जारी करता है, कोई 71,000 की रिपोर्ट जारी करता है। तो वैसे शासन में खुशबुसाहट तो है, भर्ती आनी भी है, इसको लेकर विभाग भी चिंतित है, पीएनपी भी हमारे बच्चे धरना करते हैं, लखनऊ भी करते हैं, लेकिन कोई सटीक निर्णय नहीं आता है। पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे जियो न्यूज़ का एक ट्विटर हैंडल जारी किया गया था, उसमें बोला गया था कि हम 51,000 भर्ती निकाल रहे हैं। इतना बड़ा चैनल है जी न्यूज, गूगल न्यूज पे भी हजारों बार देखने को मिलता है, अक्सर कर रोज अखबारों में आ रहा है। पीछे भी आया था कि मान लो 51,000 भर्ती आएगी, और उन्होंने हलफनामा भी दिया था इस बात का, मतलब हलफनामा एक कानूनी तरीके से दिया जाता है, तो उन्होंने बोला था कि हम 51,000 भर्ती कराएंगे। देखो बच्चों, भर्ती आ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आएगी ही, आप अच्छे से टेट पास करिए। अगर आ गई तो आपको हाथ पैर फूल जाएंगे, तैयारी करने में बहुत टाइम लगेगा, अपनी तैयारी को अभी से बना के चलिए। टेट की तैयारी करेंगे तो समझ लो सुपर टेट की तो साथ में हो ही जाएगी, क्योंकि उसमें साइकोलॉजी भी होता है, उसमें हिंदी भी होता है, जीएस भी होता है, कुछ चीज़ें करंट अफेयर्स वगैरह आपको अलग से देखनी पड़ेंगी, मैथमेटिक्स भी होता है, रीजनिंग वगैरह कुछ आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, जनरल साइंस वगैरह, तो वो सब मैनेज हो जाएगा। आप अभी अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, अच्छे से इस टेट को पास कर लीजिए, ये सोच के पास कर लीजिए कि हम 110 नंबर पा जाएँ, 110 नंबर हम पा जाएंगे तो हमारे हौसला बुलंद रहेंगे, हम आगे सुपर टेट में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से अपनी तैयारी को करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर कैसा रह रहा है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।